तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट गिग्स ऑन फाइवर, मींस फाइवर पर गिग को कैसे क्रिएट करें। बट उससे पहले हम ये समझेंगे कि गिग होती क्या है, क्योंकि बहुत से मेरे चैनल पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फाइवर पे या तो अभी तक काम शुरू ही नहीं किया या बिल्कुल न्यू हैं और उनको अभी कुछ नहीं पता। तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि गिग होती क्या है, और मैं आपको अपने अंदाज में सिंपल वे में समझाऊंगा हर चीज़ कि गिग होती क्या है और उसको किस तरह क्रिएट करते हैं। तो गिग को बेसिकली अगर मैं आसान वर्ड्स में समझाऊं तो ये आपकी सीवी की तरह होती है। जिस तरह आप किसी भी जॉब को अप्लाई करने के लिए सीवी को क्रिएट करते हैं, सिमिलरली आप फाइवर पर किसी भी काम को लेने के लिए अपनी गिग बनाते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपनी एक ही सीवी में अपने सारे एक्सपीरियंस और स्किल्स को पुट कर देते हैं, बट गिग में आप अपने एक स्किल की एक गिग बनाते हैं। लेट्स सपोज मैं वीडियो एडिटर हूं तो मैं अपनी एक गिग वीडियो एडिटर की बनाऊंगा, और अगर मुझे इसके साथ कुछ और भी आता है जैसे फेसबुक एडवर्टाइजिंग आता है तो मैं उसकी एक अलग गिग बनाऊंगा। बट अपनी सीवी में मैं दोनों चीज़ें एक साथ ही मेंशन कर दूंगा। तो ये तो हुई सिंपल सी एक्सप्लेनेशन कि गिग होती क्या है। अब समझते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जिस तरह किसी भी जॉब को अप्लाई करने में और उस जॉब को हासिल करने में सीवी का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, सिमिलरली गिग का उतना ही इम्पोर्टेंट रोल होता है फाइवर में किसी भी प्रोजेक्ट को विन करने में। क्योंकि जितनी अट्रैक्टिव, प्रिसाइज और टू दी पॉइंट आपकी गिग होगी, उतने ही ज्यादा चांस होंगे कि ऑर्डर आपको मिले। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब सीखते हैं कि गिग को क्रिएट किस तरह करना चाहिए। आर यू रेडी? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन आपके सामने है, और सबसे पहले हम अपने फाइवर के अकाउंट को लॉगिन करेंगे जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको क्रिएट करना सिखाया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, अकाउंट लॉगिन के बाद आप सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपनी प्रोफाइल में चले आएंगे। प्रोफाइल में जब आप जाएंगे और अगर आपने कोई भी गिग नहीं क्रिएट की होगी तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा क्रिएट अ न्यू गिग, और अगर पहले से कोई गिग क्रिएट की होगी तब भी आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएगा ऊपर टॉप पे क्रिएट अ न्यू गिग, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से अब हमारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा गिग को क्रिएट करने का। इसमें जो समझने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। हमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन, इसमें हमें कीवर्ड्स पुट करने हैं, बट कोशिश करें एक या मैक्सिमम दो कीवर्ड्स रखें, इससे ज़्यादा नहीं, ताकि हमारी गिग रैंक हो सके उन्हीं कीवर्ड्स पर। कीवर्ड्स कहाँ से लेंगे हम? उसके लिए हम एक और फाइवर का पेज ओपन करेंगे और यहाँ सर्च बार में हमारी जो भी स्किल है, जो भी एक्सपर्टीज है, उसका कोई एक वर्ड सर्च करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि लोग उससे मिलता जुलता क्या वर्ड सर्च करते हैं। लेट सपोज मैं वीडियो एडिटर हूँ तो मैं यहाँ पे वीडियो एडिटर से मैंने वीडियो एडिट लिखा और इससे रिलेटेड मुझे खुद दिखाने लग गया ये कि वीडियो एडिटिंग लोग सर्च कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग फॉर यूट्यूब सर्च कर रहे हैं। अगर मैं एडिटिंग पूरा लिख रहा हूँ तो अब मुझे ये दिखा रहा है ये इस तरह। तो अब ये मेरे हुआ है कीवर्ड्स, इनमें से मुझे कोई एक या दो कीवर्ड यूज़ करते हुए अपनी गिग को क्रिएट करना है, और ये कीवर्ड मुझे अपने टाइटल में भी रखना है और डिस्क्रिप्शन में भी। तो अभी के लिए मैं वीडियो एडिटिंग फॉर यूट्यूब ये वाला कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे आई विल ऑटोमेटिकली लिखा होता है, इसके आगे हमें लिखना होता है आई विल डू वीडियो एडिटिंग फॉर यूट्यूब। ये तो वो मेरा कीवर्ड, बट अब यहाँ पे मुझे कोई ना कोई एक एडजेक्टिव ऐड करना है। एडजेक्टिव मीन्स कोई खासियत, कोई ख़ास बात जो आप में है किसी और में नहीं। लेट सपोज आई विल डू वीडियो एडिटिंग फॉर यूट्यूब विद इन 24 आवर्स, या फिर आई विल डू वीडियो एडिटिंग फास्ट
इसके साथ मैं और भी ऐड कर सकता हूँ, आई विल डू प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग फास्ट या फिर एट लो प्राइस। तो इस तरह के मैं कोई भी कैची वर्ड्स यूज करूंगा अपने टाइटल में। ओके, सो इसके बाद आते हैं सेकंड चीज में, जो है कैटेगरी। जो भी आपकी स्किल हो उससे रिलेटेड यहाँ पे कैटेगरी को आप सिलेक्ट कर लेंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग होगी वो सिलेक्ट कर लेंगे, डिजिटल मार्केटिंग होगी वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने अभी वीडियो एडिटिंग रखा है तो मैं यहाँ वीडियो एंड एनिमेशन को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद इसकी सब कैटेगरी होगी वीडियो एडिटिंग, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर इससे रिलेटेड लेट्स सपोज मैं वाइट बोर्ड एनिमेशन की वीडियो एडिटिंग करता हूँ तो मैं ये सेलेक्ट कर लूँगा। मैं शॉर्ट वीडियो एड्स बनाता हूँ तो मैं ये सेलेक्ट कर लूँगा। जो भी इसे लिंक करता होगा सब कैटेगरी में उसको सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद ये फर्दर आपसे पूछ रहा है कि आप किस प्लेटफॉर्म की वीडियो एडिटिंग करते हैं। तो जैसे मैंने कहा मैं यूट्यूब की एडिटिंग करता हूँ तो मैंने यहाँ पे यूट्यूब वीडियो सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं नीचे आऊँगा, अब यहाँ पे आते हैं सर्च टैग्स। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सर्च टैग हम कहाँ से उठाएंगे। ये सर्च टैग एक तो हम अपने टाइटल से उठाएंगे, जो हमने यहाँ पे कीवर्ड अपना सेलेक्ट किया है वीडियो एडिटिंग फॉर यूट्यूब, ये हमारा पहला सर्च टैग हो जाएगा, जिसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया और इंटर कर दिया। अब दूसरा मैं यहाँ पे आऊँगा फाइवर के सेकंड पेज में और अपने कीवर्ड को सर्च करूँगा, और यहाँ पे जो टॉप के मेरे फोर होंगे कॉम्पिटिटर, मैं इनकी गिग को ओपन करूँगा और मैं देखूँगा कि ये किस टैग्स पे रैंक कर रहे हैं, ऐसे कौन से टैग्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। तो अब ये आप देख सकते हैं कि वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटर और वीडियो फॉर यूट्यूब इसने यूज़ किया हुआ है, वीडियो एडिटर इसने भी यूज़ किया हुआ है, वीडियो एडिटिंग भी इसने यूज़ किया हुआ है, यूट्यूब वीडियो भी इसने यूज़ किया हुआ है, और सिमिलरली इसने भी इसी तरह के कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। तो इसका मतलब है एक वीडियो एडिटिंग और एक यूट्यूब एडिटिंग इस तरह का सर्च टैग में यूज़ कर लूँगा। ये आ गया वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब वीडियो और एक टैग। वैसे नॉर्मली हम 5 टैग रख सकते हैं, लेकिन अगर हमारा फर्स्ट टैग बड़ा है तो फिर हम 4 रखेंगे। तो एक मैं एडिट वीडियो रख देता हूँ, इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारा फर्स्ट वाला टैग जो है ये 20 कैरेक्टर से ज़्यादा का हो गया, तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो अब हम इस टैग को ब्रेक करके लिखेंगे। जैसे हमने लिखा हुआ है यहाँ पे वीडियो एडिटिंग हमने एक लिख दिया और एक यूट्यूब वीडियो, तो अगर ये पूरा आ जाता है आपका टैग तो पूरा लिख देंगे, नहीं तो आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। जैसे इस तरह ब्रेक करके मैंने लिख दिया। अब मेरे पास मजीद स्पेस है एक दो टैग और ऐड करने की, क्योंकि अब मैंने छोटे छोटे टैग लिख दिए हैं। तो यहाँ मुझे इसका एक टैग पसंद आया, यूट्यूब वीडियो एडिटर, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा और अब इसने सेव कर लिया। तो इस तरह 4 से 5 टैग आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आते हैं ये ऑफर पैकेजेस, ये आपको 3 शो करेगा, लेकिन आप इसको ऑफ कर दीजिएगा। या स्टार्ट में आप इसको एक ही रखिएगा, उसके बाद जब आप थोड़ा सा ग्रो कर जाएं, आपको ऑर्डर्स आने लग जाएं, तो फिर आप इसके 3 पैकेजेस बना लीजिएगा। बेसिक के इसके पैकेज का कुछ भी नेम रख सकते हैं आप, जैसे मैं इसका रख रहा हूँ बिगनर्स या बेसिक रख देता हूँ। उसके बाद इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि आप इसमें क्या दे रहे हैं पैकेज में। तो मैंने जैसे कहा कि मैं वीडियो एडिटिंग दे रहा हूँ यूट्यूब की, तो मैं वही लिख दूंगा। अच्छा, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, किसी भी चीज़ का डाउट है या कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप यहाँ से अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं या जो टॉप सेलर्स हैं आप इनका भी देख सकते हैं और इससे आइडिया ले सकते हैं कि इन्होंने किस तरह के पैकेजेस बनाए हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने लिखा हुआ है व्लॉग वीडियो एडिटिंग, 5 मिनट ऑफ रॉ फुटेज, बेसिक ट्रिम एंड कट्स। अब आप सेकंड का देख सकते हैं इसने क्या लिखा हुआ है, एडवांस एडिशन विद अ बिग पैक ऑफ एनिमेशंस, कलर ग्रेडिंग एंड ट्रांस, जो जो चीज़ें दे रहा है एडिटिंग में वो लिख रहा है। तो आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, और अगर आप कुछ डिस्क्राइब नहीं करना चाह रहे तो आप सिंपल वीडियो एडिटिंग फॉर यूट्यूब भी लिख सकते हैं। तो इससे आइडिया लगा के हमने यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड कर लिया कि वीडियो एडिटिंग फॉर यूट्यूब अंडर 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट की वीडियो की मैं एडिटिंग करूँगा, इससे ज़्यादा की नहीं इस पैकेज में। यानी इससे ज़्यादा की भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हम पैकेज को बढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड और प्रीमियम में जाएंगे आगे जाके। डिलीवरी टाइम मैं सेलेक्ट कर लूँगा कि मैं कब डिलीवर कर सकता हूँ। नॉर्मली स्टैंडर्ड होता है 2 दिन रखें आप या 3 दिन रखें, बहुत ही कोई अर्जेंट है तो आप 1 डे में कर दें। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप जल्दी भी डिलीवर कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने 24 आवर्स में ऑर्डर बना लिया,
तो आप जल्दी डिलीवर करेंगे तो इससे कस्टमर एकदम खुश भी होगा कि इसने दो दिन का टाइम लिया लेकिन एक दिन में ही डिलीवर कर दिया। बट अगर आप एक दिन का टाइम लेंगे और अगर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आप डिलीवर नहीं कर सके तो आप पे पेनल्टी भी लगेगी फाइवर की तरफ से और क्लाइंट भी आपके हाथ से चले जाएगा। उसके बाद आते हैं डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन कोशिश करें खुद से लिखें। आइडिया के लिए आप अपनी कॉम्पिटिटर की डिस्क्रिप्शन को रीड कर लें, उससे आइडिया लें और लेकिन खुद से लिखें। वर्ड टू वर्ड कॉपी नहीं करें क्योंकि फाइवर का एल्गोरिथम बहुत बहुत चलाक है, बहुत स्मार्ट है। वो डिटेक्ट कर लेता है कि इसने कॉपी पेस्ट किया है तो फिर वो आपको कभी भी रैंक नहीं करेगा। तो कोशिश करें खुद से लिखें। बट फॉर नाउ क्योंकि मैं भी सिर्फ सिखा रहा हूँ तो मैं यहीं इसी की कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। एक बोनस टिप आपको दे देता हूँ कि जब भी डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करें तो हमेशा एक क्वेश्चन से स्टार्ट करें कि आर यू लुकिंग फॉर, और आप जो भी हैं लाइक वीडियो एडिटर, आर यू लुकिंग फॉर प्रोफेशनल वीडियो एडिटर। हमेशा डिस्क्रिप्शन की इस तरह स्टार्टिंग करें। आप अपने कीवर्ड को भी उसी क्वेश्चन में और टॉप में ही यूज़ कर लेंगे, लाइक आर यू लुकिंग फॉर यूट्यूब वीडियो एडिटर या आर यू लुकिंग फॉर वीडियो एडिटर फॉर यूट्यूब। उसके बाद आते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन। नॉर्मली लोग इसको खाली छोड़ देते हैं लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आप इसको भी दो से तीन क्वेश्चन लाजिम लिखें। खुद से नहीं लिख पा रहे तो इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पर आप एड अ क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं कि मुझे ऑर्डर करने से पहले मुझसे चैट करें, या आप कुछ भी अपनी रिक्वायरमेंट बताना चाहते हैं या कोई ऑर्डर से रिलेटेड जो भी डिटेल्स आपको चाहिए बायर से, आप यहां पे वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा लास्ट पेज जिसमें अगर हम वीडियो एडिटर हैं तो हमें अपनी एक सैम्पल वीडियो यहाँ पर अपलोड करनी है कि हमें यहाँ पर इमेज लगानी है जिसको हम बोलते हैं गिग थंबनेल। ये गिग का थंबनेल हम कैसे क्रिएट करते हैं ये मैं आपको सिखा चुका हूँ अपनी एक वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसको कभी भी गूगल से उठा के या कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करें, हमेशा खुद क्रिएट करें। और इसको क्रिएट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल होता है। इसको कैसे क्रिएट करते हैं ये आप उस वीडियो में देख लें। कोशिश करें जब उस इमेज को अपलोड कर रहे हों तो उस इमेज को रीनेम करके जो भी आपका कीवर्ड है वो उसमें लिख दें। लेट सपोज अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये अपलोड कर दिया तो आखिर में सेव एंड कंटिन्यू पे मैं क्लिक करूँगा। अभी क्योंकि मैंने वीडियो एडिटर की गिग बनाई है तो मुझे लाजिम सैम्पल वीडियो अपलोड करनी है। मैं यहाँ से कोई सैम्पल वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ और ये मैंने अब सैम्पल वीडियो अपलोड कर दी है। ये सबसे पहले रिव्यू पे जाएगी, फाइवर्स को चेक करेगा कि ये मेरी अपनी ही क्रिएट की हुई है या मैंने किसी की उठा के अपलोड करी है। तो ये भी आपको खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आप किसी की उठा के अपलोड करेंगे तो वो कॉपीराइट का चक्कर आएगा, तो वो कॉपीराइट का चक्कर आएगा और फाइवर रिजेक्ट कर देगा, वो उसको अपलोड नहीं करेगा। तो ये सब करने के बाद आप यहाँ पे टिक करेंगे और जैसे ही अपलोड हो जाएगी यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा सेव एंड कंटिन्यू, मैं उस पर टिक करूँगा। तो ये वीडियो अपलोड हो चुकी है और अब यहाँ पर मैं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा और लास्ट में मुझे ऑप्शन दे रहा है पब्लिश गिग का। तो यहाँ पे मैं जैसे ही पब्लिश गिग पे क्लिक करूँगा मेरी गिग एक्टिव होके लाइव हो जाएगी। तो इस तरह हम अपनी गिग को क्रिएट करेंगे। ये सारी वो ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी गिग को रैंक कर सकते हैं और अट्रैक्टिव और कैची बना सकते हैं, एंड फॉर श्योर आपको ऑर्डर्स भी आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि बायर रिक्वेस्ट क्या होती है और उसको किस तरह अप्लाई करते हैं, उसका क्या फॉर्मेट होता है, क्या पैटर्न होता है और क्लाइंट को किस तरह हम कन्विंस कर सकते हैं कि वो हमें ही ऑर्डर दे। ये सारी चीज़ें अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि अगर आप डिमांड करेंगे तो अगर आप चाहते हैं वो वीडियो आए तो अभी कमेंट करके मुझे लाजिम बताएं।
वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे अभी कमेंट करें, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।